नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रतिमा, समीर, निधि और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 50 लाख नए वोटरों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 24 जनवरी को वर्चुअल सम्मेलन में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन नए वोटरों से। 5000 जगहों पर युवा मतदाता सम्मेलन की तैयारी की जा रही है। बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और मंत्री भी जुड़ेंगे इस सम्मेलन में। और इस बीच खबर यह भी कि 27 जनवरी को बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, बिहार के बेतिया में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम होगा। बेतिया में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम। जनवरी की कड़ाके वाली ठंड के बीच बिहार का सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग की स्थिति भले ही साफ न हुई हो, लेकिन बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए पहला चुनावी बिगुल बिहार से फूंक सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के बिहार के चंपारण से चुनावी कैंपेन की शुरुआत की जा सकती है। 27 जनवरी को बेतिया के सुगोली में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन तब जेडीयू बीजेपी के साथ थी। नीतीश के एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी के पास 17 और जेडीयू के पास 16 सीटें हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार होगा जब बीजेपी अपने सबसे पुराने सहयोगियों में से एक जेडीयू के बिना ही चुनावी मैदान में उतरने वाली है। और बजट सत्र को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट में कई बड़े ऐलान मुमकिन है, कोई बड़ा विधायी कार्य एजेंडे में नहीं है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी को आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को 6वीं बार पेश करेंगी। सूत्रों के मुताबिक संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। ये सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। जानकारी के मुताबिक 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा और 1 फरवरी को वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगी। अंतरिम बजट में मोदी सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। हालांकि फिलहाल सरकार के एजेंडे में कोई बड़ा विधायी कार्य नहीं है। बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। इसी साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में चुनाव से ठीक पहले आने वाला ये बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बजट में लोगों को कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। इससे पहले बीते साल 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, जो कि तय समय से एक दिन पहले ही समाप्त हो गया था। ये सत्र इसलिए महत्वपूर्ण रहा कि इस दौरान सरकार ने अपराध और न्याय से जुड़े नए बिलों को पास कराया था। और असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा का बड़ा बयान सामने आया है। असम में भी यूसीसी लागू करेंगे, कुछ बदलाव के साथ असम में भी लागू करेंगे। हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा, आदिवासी समुदाय को इसमें छूट देंगे। असम में जल्द यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून लागू हो सकता है। आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि असम में जल्द यूसीसी बिल लाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले यूसीसी बिल उत्तराखंड और गुजरात में आएगा। इस बिल को देखकर और उसमें कुछ संशोधन कर असम के लिए अलग बिल लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल में आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए छूट दी जाएगी, लेकिन बाकी सभी लोगों के लिए कानून एक समान होगा। उत्तराखंड एंड गुजरात विल ब्रिंग यूसीसी फास्ट and Assam will follow them with some new addition to that bill, like Assam model. But I am waiting to see the bill of Uttarakhand, and once Uttarakhand bill is done, we'll bring the same bill. But of course, in Assam bill, we'll exempt tribal community from the ambit of the UCC. इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सीट शेयरिंग पर आप कांग्रेस की अहम बैठक हुई है, कल होगी आप कांग्रेस की अहम बैठक। सोर्सेज से खबर आ रही है, कल शाम 6:30 बजे मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक होने की जानकारी है। अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग पर चर्चा मुमकिन है।
लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में कलह दिख रही है। कांग्रेस प्रभारी की नसीहत का सिद्धू पर कोई असर नहीं पड़ा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर दिखाए हैं बागी तेवर। ईमानदारी से बात कहना साहस का प्रतीक है, कहा है सिद्धू ने। कुछ नेताओं के लिए सियासत सिर्फ व्यापार है, ये भी कहा सिद्धू ने। इस एक्स पोस्ट के जरिए पंजाब में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाए हैं। पंजाब कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव की तरफ से अनुशासन में रहने की नसीहत का भी सिद्धू पर कोई खास असर नहीं हुआ। सिद्धू के तेवर अब भी तल्ख बने हुए हैं। उन्होंने इस एक्स पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस सेवा ईमानदारी और नैतिक अधिकार के साथ सच कहने के साहस का प्रतीक है, इन लोगों के विपरीत जो राजनीति को लाभ के व्यवसाय के रूप में देखते हैं। इससे पहले पंजाब कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ भी सिद्धू की मीटिंग हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस प्रभारी ने सिद्धू को अनुशासन में रहने की नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी में अब अनुशासनहीनता की कोई जगह नहीं है, सिद्धू को पार्टी प्रोटोकॉल के मुताबिक ही चलना होगा। पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने शायराना अंदाज में उन्हें नसीहत देने वाले नेताओं पर तंज भी कसा। अब यादव साहब का एक संपर्क है भाई, एक डोरी बंधी है संपर्क, जहाँ संपर्क होगा वहाँ विश्वास खुद ब खुद जगेगा और इकट्ठे होके काम करने में सबका भला है। और इधर कांग्रेस के चंदे को लेकर टीवी 9 पर बड़ा खुलासा। टीवी 9 भारतवर्ष की खबर में कांग्रेस पार्टी में बड़ा असर हुआ है। कांग्रेस ने सही QR कोड और लिंक जारी किया है। QR कोड पर कोषाध्यक्ष अजय माकन ने छानबीन की है। राज्यों के प्रभारियों महासचिवों से माकन की इस पर बात हुई है। न्याय यात्रा चंदे को लेकर कांग्रेस के गलत QR कोड पर टीवी 9 भारतवर्ष ने बड़ी खामी उजागर की। टीवी 9 भारतवर्ष की इस बड़ी खबर का कांग्रेस पार्टी में बड़ा असर हुआ। कांग्रेस ने चंदे के लिए अब सही QR कोड और लिंक जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक QR कोड वाली गलती में सुधार के लिए पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने राज्यों के प्रभारियों और महासचिवों से बात की है। कांग्रेस अब QR कोड वाली गलती को दुरुस्त कर रही है। इससे पहले गलत QR से दूसरे के खाते में चंदे की बड़ी राशि चली गई। गलत डोनेशन लिंक से कांग्रेस को लाखों का नुकसान हुआ है। टीवी 9 भारतवर्ष पर हुए खुलासे के बाद कांग्रेस जागी। टीवी 9 पर खबर दिखाए जाने के बाद कांग्रेस को बड़ी गलती का पता चला। कांग्रेस ने सही QR कोड और डोनेशन लिंक जारी किए। चंदे के लिए अब पैम्पलेट छपवाए गए हैं। गलती कैसे हुई इसकी छानबीन की गई। दरअसल न्याय यात्रा चंदा अभियान के लिए QR कोड और लिंक जारी किए गए थे। बुधवार को जयराम रमेश, KC वेणुगोपाल ने पैम्पलेट जारी किए थे, लेकिन गलत QR कोड लिंक की वजह से चंदा गलत खाते में जा रहा था। पैम्पलेट में गलत डोनेशन लिंक donateinc.co.in लिखा था, जबकि पैम्पलेट में सही डोनेशन लिंक donateinc.in लिखना था। और चंदे वाली गलती पर BJP ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। BJP ने कहा कि कांग्रेस के DNA में ही घोटाला है। इधर का माल उधर, उधर का माल इधर करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। कुछ गलत लिंक बता रहे हैं, मेरा कहना कि इसमें भी बड़ा घोटाला करते हैं। ये घोटाले से बाहर नहीं आते, वह सरकार में रहते हुए करें, वह पार्टी में रहते हुए करें। लगातार याद करिए नेशनल हेराल्ड वाले केस में क्या किया उन्होंने। कांग्रेस पार्टी के 90 करोड़ रुपए देकर परिवार को 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति दे दी। यहाँ पर भी ये QR कोड चेक करना चाहिए। मैं तो चाहूँगा अगर ईमानदार हो तो ये एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज करें, जानकारी मिले कि जहाँ कोई जिन लोगों ने दान दिया है, जिन लोगों ने कांग्रेस को पैसे दिए हैं, चंदा दिया है, वह पुलिस कंप्लेंट करें और जानकारी लें कि ये QR कोड कहीं किसी परिवार के किसी सदस्य के पर्सनल खाते में, किसी और खाते में तो नहीं जा रहा। कांग्रेस के DNA में ही है घोटाला, आज से नहीं, जीप घोटाला से लेकर के कई घोटाले हुए हैं, आज तक घोटाला ही घोटाला है। QR कोड नहीं गड़बड़ होगा तो खाता में जाएगा कैसे गलत जगह पर। ये कांग्रेस के नियति में है घोटाला, नियत में है घोटाला, और यही कारण है कि आज आपको उद्भेदन करना पड़ा और सही निकल गया। भ्रष्टाचारियों की एक खड़ियंत्र को आपने पर्दाफाश किया। वहीं कांग्रेस नेता BK हरिप्रसाद ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने के कांग्रेस के फैसले का समर्थन किया है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताया। BK हरिप्रसाद ने कहा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह कोई धार्मिक आयोजन नहीं है, ऐसे में कांग्रेस नेताओं का कार्यक्रम में नहीं जाने का फैसला एकदम सही है और ये फैसला संविधान के दायरे में लिया गया है। इट्स अ राइट डिसीजन, एवरी कांग्रेसमैन हैज वेलकम्ड इट, बिकॉज़ इट इज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, इट इज नॉट अ रिलीजियस प्रोग्राम, इट इज अ पॉलिटिकल प्रोग्राम। सो नॉट अटेंडिंग द RSS, BJP एंड विश्व हिंदू परिषद प्रोग्राम, इट्स अ राइट डिसीजन इन अ राइट डायरेक्शन ऑल्सो।
वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस एंटी हिंदू है और इसलिए उसने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस के डीएनए में है हिंदू विरोधी। आज तक नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी तक कौन अयोध्या गया? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कुनमा, स्टालिन का कुनमा, जब सनातन को खत्म करने की बात की तो कांग्रेस उसके पीठ पर खड़ा था। ये हिंदू विरोधी हैं, मुस्लिम परस्त हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो कांग्रेस के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के इस इनवाइट को ठुकराने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी निशाने पर ले रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि नेहरू की कांग्रेस है, महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। गांधी जी की कांग्रेस तो राम राज्य की बात करती थी। ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया। राम जी हमारे कण कण में है और हम मोदी जी के इवेंट में नहीं जाएंगे। आप समझो, वो इवेंट की बात हुई है कि जो मोदी जी का इवेंट है, मोदी जी का इनविटेशन है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन राम मंदिर जिसके जिसके दरवाजे राजीव गांधी ने खोले, राम जी हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, हम वहां पर जाएंगे, लेकिन उनके बुलाने से नहीं जाएंगे और उनके कहने से नहीं जाएंगे। जब जाएंगे, उनको इन्विटेशन तीन लोगों को आया है कि आप आइए। अब मोदी जी का हमने भाषण सुनने जाना है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सर्वे के तरीके को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में हाई कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज करीब डेढ़ घंटे तक मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। मुस्लिम पक्ष ने विवादित परिसर का एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने के मामले में विरोध किया। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि उनकी तरफ बहस करने वाले एक अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने यह भी दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट में 16 जनवरी को मामले की सुनवाई होनी है, इसलिए मुस्लिम पक्ष ने मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध किया। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। सुप्रीम कोर्ट में अब 16 जनवरी को मामले में सुनवाई होनी है। इसमें यह तय होगी कि एडवोकेट कमीशन के मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई जारी रहेगी या नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन पर ममता बनर्जी का जवाब सामने आया है। लॉ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर असहमति जताई है। समिति को चिट्ठी लिखकर विरोध किया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा से सहमत नहीं है, ये साफ कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली समिति को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया है। ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखकर कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था से सहमत नहीं हूँ। मौजूदा परिस्थितियों में मुझे खेद है कि आपके द्वारा तैयार की गई वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा से सहमत नहीं हूँ। हम आपके प्रस्ताव और सूत्रीकरण से भी सहमत नहीं है। आपके पत्र से वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। ये व्यवस्था भारत के संवैधानिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ होगी। 1952 में पहला आम चुनाव केंद्र और राज्य स्तर के लिए एक साथ आयोजित किया गया था। कुछ वर्षों तक ऐसी एक साथ समानता थी, लेकिन तब से यह समानता टूट गई है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर इस मामले पर उनकी राय मांगी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी है। पीएम मोदी ने मुस्लिम डेलीगेशन से मुलाकात की अपने निवास पर। उर्स के दौरान दरगाह में ये चादर चढ़ाई जाएगी, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 13 जनवरी को मनाया जाना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 812वां उर्स, और उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भेजी गई ये चादर चढ़ाई जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 812वीं उर्स के मौके पर अजमेर के गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार के लिए चादर भेजी है। ये चादर 13 जनवरी को अजमेर दरगाह में चढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को चादर सौंप दी है। गरीबों के मसीहा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब नवाज के उर्स के मौके पर आज सूफी संतों के मौजूदगी में हमें चादर सौंपी है और ये कामना की है कि भारत विकसित भारत बने, भारत में आपसी भाईचारा बढ़े। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, जिसे अजमेर शरीफ के तौर पर भी जाना जाता है। इस साल यहां 13 से 21 जनवरी तक उर्स का आयोजन हो रहा है। पीएम मोदी हर साल अजमेर शरीफ दरगाह पर उर्स के मौके पर चादर भेंट करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी पीएम मोदी की भेंट की गई चादर को दरगाह पर चढ़ाया जाएगा। पीएम पद संभालने के बाद से नरेंद्र मोदी ने अब तक 10 बार अजमेर शरीफ दरगाह को चादर भेंट की है। और वाइब्रेंट गुजरात समिट चल रहा है। इस बीच सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा आगे है इस बात का ऐलान किया। हरियाणा में निवेश के अच्छे अवसर भी सामने आए हैं, ये भी कहा गया। और वाइब्रेंट समिट में सकारात्मक चर्चा हुई है, ये भी कहा गया मनोहर लाल खट्टर की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महाशक्ति बना है, ये भी कहा गया उनके जरिए। I welcome you all to the land of PPP. That is not just public partnership, public-private partnership, but this is a new definition PPP for Haryana by virtue of its quality. That's a land of karma, is a land of possibilities, land of potentialities, and a land of prosperity. Today, the world is at crossroads of transformation. New technology and digital interfaces are creating a world which is opening both the new opportunities and challenges. New processes and new products are opening the ways of economic developments. People and human values are always at the center of development and progress. Therefore, we also need to give impactful thought by mutual engagement, which will have far-reaching effects on the people and economy of Africa. पवित्र यात्रा में आगे बढ़ने से पहले साधु संतों का जत्था बजरंग बली का आशीर्वाद जरूर लेता है। तो रुदौली के नयागंज के जिस 84 कोसी परिक्रमा के पड़ाव पर मैं खड़ा हूँ, इसे मिनी अयोध्या भी कही जाती है और राम भक्तों का सबसे बड़ा जमावड़ा इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नयागंज के मिनी अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा का महत्व क्या है वो जान लेते हैं। बाबा सबसे पहले ये बताइए, नयागंज इलाका है, 84 कोसी परिक्रमा का पड़ाव है, महत्व तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो दर्शकों को बताइए कि क्या कहानी है, क्या महत्ता है, क्यों जाना जाता है और यहाँ के राम भक्तों का उत्साह इतने चरम पर क्यों है? राजा रुद्रमल सिंह की बधाई ये नगरी है, यहाँ तमसा नदी है बगल में, यहाँ मनकलिया धाम है जहाँ परिक्रमा पड़ाव रुकता है। परिक्रमा अनादिकाल से परिक्रमा होती चले, यहाँ रुकती है, पड़ाव करते चले, पड़ाव होते चले जा रहे हैं। हजारों साधु संत आते हैं हर साल, यहाँ रुकते हैं, सारी व्यवस्था होती है। नयागंज जो है एक बहुत अच्छा वो है, धर्म का महत्व, धार्मिक क्षेत्र है। अयोध्या का मतलब अगर नयागंज का दर्शन हो गया तो मतलब दर्शन पूरे हो गए। तो देखिए, इसे मिनी अयोध्या कहा जाता है और बहुत ज्यादा राम भक्त है मेरे पास, लेकिन आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही ज्वलंत ऐसे मामले के साथ, ऐसे बयान के साथ जिसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी है। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप लोग जानते हैं क्या? समाजवादी पार्टी के नेता हैं और आज ही सुबह सुबह उनका एक बयान आया है कि जो 90 के दशक में कार सेवकों पर गोली चलवाई गई थी, वो गोली चलवाने का फैसला सही था। क्या वो फैसला सही था? गलत था। देखिए, मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी, उनकी गोलियां कम पड़ गई थी, लेकिन हमारे राम भक्तों के सीने नहीं कम पड़े थे। और आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, उनको राम मंदिर देखा नहीं जा रहा है। अखिलेश को अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो किसी जन्मभूमि पे क्यों नहीं बनवा रहे हैं, क्यों नहीं बनवा रहे? और अयोध्या तो बस झाकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी मथुरा बाकी है,
तो लोगों में, आप लोग में गुस्सा इतना ज्यादा है, राजनीतिक दल इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? जब जिस बात से गुस्सा आता है राम भक्तों को, वही बात बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य हो या बाकी लोग हो रिपीट करते हैं, फिर भी एक्शन क्यों नहीं होता है? क्या अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक्शन लेना चाहिए, यह सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य को निष्कासित कर देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि राम मंदिर बन रहा है तो क्या कुछ लोगों को तकलीफ भी है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। बहुत सारे ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है कि इतना दिव्य और राम भव्य मंदिर बन रहा है, राम भगवान श्री राम का। क्या राम मंदिर बनने से कुछ राजनीतिक दलों को दिक्कत भी हो रही है? दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी बसपा को, बसपा को इतना नहीं हो रही, लेकिन समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को बहुत हो रही, क्योंकि इन्होंने कभी चाह ही नहीं कि राम मंदिर बने। अगर ये चाहते तो इनके पिता मुलायम सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख थे, उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, जो कि एक हिंदू होके हिंदुओं पर गोली चलवाई। देश में चुनाव का माहौल बन चुका है, देश में चुनाव का माहौल बन चुका है, और लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की तारीख बिना कार्यक्रम और काम पूरा हुए इसलिए नियत कर दी गई, क्योंकि बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती थी। क्या बीजेपी ने सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए मंदिर बनवाया? बिल्कुल नहीं। हाँ। कोई भी राजनीतिक फायदा नहीं था बीजेपी का। हाँ। उसने सिर्फ हिंदुओं के हित में अपना पूरा कार्य किया है, और हिंदुओं की जब से बीजेपी सरकार आई है या जब से बीजेपी चल रही है, उसने हिंदुओं के बारे में सोचा है, और इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने का सौगंध लेके हमारे अटल बिहारी वाजपेयी चले थे, आज वो उसका सौगंध पूरा होना है, वक्त आ गया है। और अब आने वाले 2024 में ये 350 से 400 क्रॉस करेगी बीजेपी, को उसका फायदा मिल रहा है। आप लोगों ने कहा कि बीजेपी को इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा, तो सवाल ये कि क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं क्या? बिल्कुल बनेंगे, कोई शक है? बनेंगे, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। को लाए हैं हम, उनको लाएंगे 2024 से, फिर से भगवा लहराएंगे। गाना गा रहे हैं। है, लेकिन जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, मोदी जी को आना चाहिए। तमाम गाने बन गए, और इसीलिए हमने भी अपने कार्यक्रम का नाम रख दिया राम लौटे हैं, लौट रहे हैं राम। 500 साल बाद वनवास खत्म हो रहा है, लेकिन इस बीच बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अब शे लेने की होड़ लग गई है। शे कोई ये कह रहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, कोई इस बात पर ले रहा है कि चुनाव लेके जीतने का शे है, और कुछ ये कह रहा है कि हमारे नेता ने। लेकिन आप लोग जो यहाँ के मिनी अयोध्या के निवासी हैं, वो इसका शे किसको देना चाहते हैं? सवाल सबसे बड़ा ये है, मंदिर किसने बनवाया, कौन बनवा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बन तो रहा है, लेकिन इसका शे किसको जाता है? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र दास मोदी जी को, और आने वाले 2024 में सभी हिंदू उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, चाहे उसके लिए हिंदुओं को अपनी गर्दन कटवानी पड़े। बाबा आप देख तो नहीं सकते, लेकिन मन की आंखों से कैसा दिख रहा है राम मंदिर? राम मंदिर ऐसा विशाल दिख रहा है कि भारत के अंदर में कोई ऐसा मंदिर है ही नहीं और ना होगा। और जैसे दो डबल इंजन की सरकार ने बनवा रखा है, उस मोदी को मैं भगवान मानता हूँ, कलयुग के भगवान। जय श्री राम। जो राम जी को लाए हैं, मोदी जी राम को लाए हैं, तो वो जो राम को लाए हैं मैं उनको लाऊंगा। सहमत है क्या? सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। और जो भी है, आज जो भी कुछ हो रहा है, सन 1984 के बाद भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया और पूरी तन्मयता के साथ लगे रहे, वो पूरी भाजपा को श्रेय जाएगा, और हम लोग भाजपा के लिए ही वर्क करेंगे। 2024 में 400 प्लस ही भाजपा को मिलेगा पूरे देश। अच्छा, ये सारी बातें इसलिए तो नहीं, आप लोग भाजपा ही हैं अंदर से? ना, राम भक्त की भाजपा है। हम राम के हैं, जो राम का काम करेगा वही देश पर राज करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। अच्छा। हम लोग राम के हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जी हाँ, हम लोग किसी पार्टी के नहीं, हम लोग का मतलब राम से है। जी हाँ, जो कार्यक्रम देख रहे होंगे, जो राम के जो कार्यक्रम देख रहे होंगे, जब वो देखेंगे ना, सारे लोग भगवामय हो गए हैं, राम नाम का नाम ले रहे हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं, तो हम पर भी सवाल उठा लेंगे। वो ये कहेंगे तो भाजपा वाले को बुला लिए होंगे, उनके बीच में चर्चा कर लिए और मोदी मोदी करवा रहे हैं। लेकिन आप बताइए, क्या आप भाजपा से हैं? क्या मैंने आपको बुलाया है?
बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो भाजपा में नहीं थे लेकिन राम ही उनको लाए हैं और राम के लिए ही वो लोग हैं जी, हमेशा वो रहेंगे। जो हिंदुओं की हित का बात करेगा वही देश पर राज करेगा। सवाल ये है कि आप लोग कह तो रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हालांकि भगवान राम ने दुनिया को बसाया है, उनको कौन ला सकता है। लेकिन ये बात तो सच है कि मंदिर बन रहा है, दिव्य और भव्य बन रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर उत्तर प्रदेश में और देश में ये डबल इंजन वाली सरकार नहीं होती और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होते तो भी क्या मंदिर इतना भव्य बनता क्या, इतना दिव्य बनता क्या? नहीं बनता। एक लाइन से जरा दिखाइए, क्या मंदिर इतना दिव्य और भव्य बनता? बनता क्या? बनता क्या? बनता क्या? नहीं बन पाता, नहीं बन पाता, नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बन पाता। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा देश पर। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने इस कार को पूरा करवाया, अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो ये कार जीवन में कभी भी नहीं पूरा होता, नहीं हो पाता। दुबई में बिल्कुल नहीं बनता, दुबई में मंदिर बन रहा है, दुबई में मंदिर बन, नरेंद्र मोदी जी की वजह से, उनको भगवान का अवतार हम लोग मानते हैं, कलयुग में वही अवतार है योगी जी और मोदी जी। अगर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो अगर बीजेपी राज्य और केंद्र में सत्ता में नहीं होती, कांग्रेस सपा या फिर कांग्रेस बसपा या फिर कांग्रेस या अन्य दल कोई होता तो भी क्या इतना दिव्य और भव्य मंदिर बनता क्या? ऐसा मंदिर नहीं बन पाता, नहीं बन पाता, ऐसा मंदिर बनता नहीं बनता, नहीं बनता। भरोसा किसने बनवाया? मोदी ने। मोदी जी नहीं होता तो नहीं बनता, नहीं बनता। अखिलेश यादव तो बनवा देते, नहीं बनवाते। राहुल गांधी नहीं बनवाते, नहीं। सोनिया जी तो बनवा देती, नहीं 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 बनवाते। आप लोग महिला होकर सोनिया जी का विरोध कर रही है, तो क्या हुआ? कोई जरूरी थोड़ी ना कि लेडीज होकर लेडीज ही काम करें। जब मोदी जी आए तो उन्होंने तो किया है, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही, वो सही है पूरी तरह से। कौन बनवा रहा है? मोदी जी। आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो सोनिया गांधी का साथ देना चाहिए। ये बताइए, आप साथ दे देंगी तो विपक्ष कैसे जीत रहे हैं? गलत का साथ देंगे ही नहीं हम लोग। कौन गलत है कौन सही है? अब मोदी सही है, मोदी ने बनवाया है, मोदी को ही सब वोट मिलेगा आपकी भी। हाँ मोदी जी। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं? नहीं, मोदी मोदी बनेगा। प्रधानमंत्री बनेबू की नहीं बनेबू? मोदी का बनाइबू, मोदी का, मोदी का। एक बार राहुल गांधी के भी देख ला। नहीं नहीं, मंदिर बनवाए इतने दिन से, कोई इतने प्रधानमंत्री आए कोई बनवाई? आज मोदी की राज में तो बना, तो फिर मोदी साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे? ये कह रही है कितने साल मौका दिया तब तो मंदिर नहीं बना और अब मोदी जी बनवा दिया तो सब कह रहे हैं कि हम बनवाए हमको श्रेय मिलना चाहिए। विजय सिंह मालूम है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बना, कोई मंदिर बनवा के एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। और मंदिर बनाने का असली श्रेय तो कांग्रेस को जाता है क्योंकि राजीव गांधी के जमाने में मंदिर का ताला खुला, राजीव गांधी के जमाने में मूर्तियां रखवाई गई, तो श्रेय किसको जाता है, कांग्रेस को या बीजेपी को? कांग्रेस को या बीजेपी को? आंदोलन बीजेपी ने शुरू किया था 84 में, ताला खुलवाने के लिए बीजेपी ने आंदोलन किया, सिंधु परिषद के माध्यम से किया और ये लोग हमेशा विरोध करते रहे, रोड़े अटकाते रहे, हर चीज में रोड़े अटकाए। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का प्रतिदिन सुनवाई मोदी जी ने करवाया कि प्रतिदिन सुनवाई करके इसका फैसला जल्दी लाया जाए, तब जाके फैसला हुआ है। उनके दिल में राम है मोदी जी के, वो दिल में राम है तो राम का मंदिर बन रहा है। श्रेय किसको मिलना चाहिए, कांग्रेस को मिलना चाहिए बीजेपी को? कांग्रेस को या बीजेपी को? कांग्रेस को या बीजेपी को? देखिए देखिए देखिए, अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है तो कुछ आप लोग इतना बढ़िया गाते हैं कि दिल खुश हो जाता है। तो दुनिया भर के दर्शक जो राम भक्त आपको देख रहे हैं, मिनी अयोध्या से अब क्या सुनाने जा रहे हैं ये बताइए जरा। भगवत नाम पुराना, मरम बिरला कोई जाना, और कहना है क्या, कलयुग में श्री मोदी जी आए, कलयुग में श्री मोदी जी आए।
आए कलयुग में श्री मोदी जी आए कलयुग में जी आए मोदी जी आए हाँ योगी जी आए मोदी जी आए हाँ आए मोदी जी आए हाँ योगी जी आए मोदी जी आए हाँ योगी जी आए और इस दासा ने पहचाना मरम बिरला कोई जाना भगवत नाम पुराना मरम बिरला कोई जाना गूंज रहा है तीन ही नाम मोदी योगी जय श्री जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे यूपी में फिर से है हम उनको लाएंगे भारत में फिर से हम भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे भारत में फिर से आप लोगों का जो जोश और उत्साह है ना जो आप लोगों का जोश और उत्साह है ना उससे 2024 की पिक्चर हमको यहीं से क्लियर लग रही है। मोदी जी मंदिर ही तो बनवाए मोदी जी ने वो कर दिखा दिया जो किसी ने नहीं दिखाया है हमारे योगी जी और मोदी जी हमारे योगी जी ने ये बोला है कि ये चौराहे पे कांड करोगे अगले चौराहे पे अमराज तुम्हारा इंतजार करेगा।